शेखपुरा गांव में स्थित डेरा राजू नाथ के महंत पर बुधवार सुबह गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में महंत फूलनाथ और उनके दो समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया है। सारी घटना डेरे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल डेरे में पहुँच गई और DSP आर्यन चौधरी ने डेरे का निरीक्षण किया। और बिंदर के परिवार के लड़कों ने मतलब एक साथ मिलके 25-26 ने एक साथ में आके हम आसन में बैठे थे आराम से, उन्होंने आके लाठी और मतलब राड से और गंडासी से हमला किया। जैसे कि मैं उनको ऊपर पड़ गया बचाने वक्त मेरे भी लग गई और उन्होंने मारने जान से मारने की धमकी दी। आगे मिल गया ना मेरे को जान से मारने, वो 20-25 करीब थे। तो आज ही महाराज को लेके आए थे? हाँ, रात को लेके आए थे, सुबह आए थे। कितने लोग थे? मैंने ये ध्यान नहीं दिया है कितने, मत रोटी बना देना है मतलब सुन के हाथ ले ऐड करनो भोजन बना ले क्यारी बता दे। आपको बता दें कि डेरे के महंत बाबा फूलनाथ पर पिछले वर्ष गांव की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके बाद वह गांव को छोड़कर राजस्थान रहने लगे थे। इसी वर्ष बाबा को हिसार की कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद मंगलवार शाम को बाबा को गाँव के ही एक गुट के लोग डेरे में वापिस ले आए। लेकिन बुधवार सुबह ही बच्ची के परिजनों ने बाबा पर हमला कर दिया।